हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी ना प्रवीण शर्मा सर की वीडियो आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंटरमीडिएट के आरटीपी में एक बहुत बड़ी गलती आ रखी है। तो मुद्दा ये उठता है कि ऐसा ऐसी गलतियां करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आरटीपी वाला आंसर लिख दे क्या जो गलत है, या फिर हम सही वाला लिखें जो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर जो कि एज पर इंडेस है। और पॉइंट नंबर वन पे आते हैं। देखो, गलतियां जो है ना ऐसी वाली आप देख रहे हो, ये कोई नई गलती नहीं है। ऐसी गलतियां ऐसे बहुत टाइम से करता आ रहे हैं। बट होता है क्या है, जो भी फैकल्टीज है, हम जैसे स्टूडेंट है, हम मैसेज करते हैं या मेल करते हैं आईसीआई को उनकी फॉर्मल आईडी में, हम बताते हैं आपकी ये मिस्टेक्स है, आप इन्हें ठीक करो। आप मान के चलो, जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ता था सीए फाइनल पे, तो बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे दिखती थी। अब होता क्या था, वो मिस्टेक्स हर किसी को दिख रही है, टीचर्स को भी दिख रही है, हमें भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा अपेरेंट है। अब वो हम सारे मेल करते थे आईसीआई को, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना बुक्स में चेंज आता था, वो रिवाइज करते थे क्वेश्चन को, वो गलतियाँ हटाते थे। तो अब देखो यार, ये जो सर ने मिस्टेक बताई है, शायद वो ठीक कर ले नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें ये गलत वाला आंसर जो कि आरटीपी में लिखा हुआ है सॉल्व करना चाहिए, या फिर हम सही आंसर लिखे भाई, बिकॉज वी नो सही आंसर क्या है। देखो, मुद्दा यहाँ पे आता है एग्जामिनर का, जो बंदा चेक कर रहा है ना, उसे इतनी समझ नहीं है। उसके आगे एक सैंपल कॉपी पड़ी हुई आंसर शीट जो कि आईसीआई ने दी हुई है। आपकी आंसर शीट को और जो सैंपल कॉपी वो मैच करता है भाई, क्या सही है क्या गलत है। आपने अगर सही वाला कर दिया, वो बोलेगा गलत है, बिकॉज उसको समझ नहीं है भाई क्या गलत है क्या सही है, वो खाली आंसर मैच कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी, हमेशा आप याद रखना, अगर भले ही गलत है, अगर आईसीआई ने अमेंड नहीं करा अब तक, तो आप उसी आंसर को लिखना जो कि आईसीआई के बुक में लेटेस्ट एडिशन में, पुरानी बुक को रेफर मत करना। आप देखो जो उनका लेटेस्ट एडिशन आ रखा है, अगर उसमें वो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, उसका जो आंसर है गलत भी है, तो आप गलत को ही लिखो, बिकॉज जो बंदा चेक कर रहा है ना भाई, वो उसी कॉपी से चेक कर रहा है। ऑलवेज राइट द आंसर जो कि आईसीआई के बुक में मेंशन है। सो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी इज लॉन्चिंग इट्स इंटरमीडिएट बैच जो कि 20th February से स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का नाम है योद्धा बैच। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस बैच के बारे में। अगर आप दोनों ग्रुप लेना चाहते हो कम्बाइंड, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, तो आपको पड़ेगा 26,000 का 25999, जो कि 50% डिस्काउंट पे चल रहा है अभी, कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। थोड़ा सा मैं समझाया तो उस बैच की यूएसपी क्या होने वाली है। सो इस बैच की यूएसपी ये है कि ये बैच जो है 7S पे फोकस करते हैं। क्या है वो 7S, समझते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेलर एजुकेटर्स, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्टेलर का मतलब ये होता है हाई क्वालिटी एजुकेटर्स है, जिन पे एक्सपीरियंस भी है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। दूसरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये वाला, आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम मिलेगा और बहुत ही टाइमली कंप्लीशन भी आपका होगा कोर्स का। तीसरा वाला है सेल्फ स्टडी। जब भी आपकी कोचिंग होगी, ठीक है, सेल्फ स्टडी की अपनी की इंपॉर्टेंस होती है। आपकी कोचिंग के बाद आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए, तो ये बैच फोकस करते हैं कि आप पे इतना एडिक्वेट टाइम हो कि आप सेल्फ स्टडी भी कर पाओ। फोर्थ नंबर पे आता है आपका डाउट रेजोल्यूशन, स्मूथ डाउट रेजोल्यूशन। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके टीचर्स वगैरह उसे रिजॉल्व करेंगे। फिफ्थ वन इज स्पेशली नोट्स, जो आपके लिए बनाए गए, आपके लिए ऑडियो नोट्स बनाए गए, वो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इवेल्युएटेड टेस्ट, आपको टेस्ट दी जाएगी, इवेल्युएट करा जाएगा, तो ये भी एक आपका 6 पॉइंट आ गया। सेवन्थ आता है आपका मेंटरशिप, स्पेशलाइज मेंटरशिप, तो आपकी मेंटरशिप भी करी जाएगी। सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैच, आप इनके ऐप में जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, बाकी मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।